हे गाइस, मेरा नाम है रूप किरण और आज हम लोग जा रहे हैं एक 10 दिन के ट्रिप के लिए। तो हम लोग जा कर रहे हैं, पहली बात अभी हम भुवनेश्वर से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। हमारा फ्लाइट 8:30 को एंड इट्स राइट नाउ 6:23। तो निकल गए हैं, चेक इन करेंगे एंड वहाँ से क्या अपडेट है बताते हैं। और मेरे साथ अभी जा रहे हैं, हाय देवेश। हेलो जगन। हेलो जगन जा रहा है बेसिकली हमारे साथ, ही इज गोइंग टू ड्रॉप अस। वो आ गया था सुबह सुबह जस्ट टू ड्रॉप अस एंड विल मिस हिम रियली इन दिस ट्रिप, क्योंकि हम लोगों ने जितने भी ट्रिप किए हैं ही हैज बीन विद अस हमेशा, बट दिस टाइम अनफॉर्चुनेटली ही इज नॉट कमिंग विद अस। हमारे कुछ दोस्त एयरपोर्ट पे हमारा वेट कर रहे हैं, सो लेट्स सी व्हाट द एयरपोर्ट दिस इज भुवनेश्वर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड द पर्सन हु केम एंड ड्रॉप्ड अस खुशीद लाला एंड चलो चलते हैं यार इतने दिनों बाद। हाय फ्रॉम दिल्ली, एक्चुअली नॉट दिल्ली, इट्स गुड़गांव, सॉरी। या सो अभी हम लोग आ चुके हैं होटल में, ठीक है। सो आई विल शो यू द रूम एंड देखते हैं। सो वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। एक्चुअली हम लोगों ने पहले बैग रख दिया था इन गुड़गांव, आई डोंट नो विच एग्जैक्ट सेक्टर इट इज। मज़ा आ गया यार। चलो मैं आपको बैल्कोनी से व्यू दिखाता हूँ भाई। ओके मतलब व्यू नॉर्मली है बेसिकली, वैसा कुछ इट्स नॉट सो डिफरेंट। बट हाँ, रूम की बात करूँ सो आई एम इन लव विद द रूम यार। अमेजिंग रूम है, अमेजिंग रूम है। गाइस अभी हम लोग आए हैं जुमा मस्जिद मेट्रो के पास और ये एक फेमस जगह है, हमको बताया गया था कि असलम चिकन, मुझे नहीं मालूम आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, एंड दैट इज असलम चिकन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी इतना लंबा लाइन लगा है, मतलब आई कांट वेट टू टेस्ट द फूड जिसके लिए इतना लंबा लाइन लगा है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी सारे फूड प्लेसेस थे, फूड जॉइंट्स थे, बट दिस इज द वन जहाँ पे यू कैन एक्चुअली सी पीछे से लेकर अभी तक देर इज अ लॉन्ग लाइन जस्ट टू हैव असलम्स चिकन। लेट्स सी क्या होता है, आई विल लेट यू नो। देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। और उन्होंने चिकन को देखिए, ये बटर है वो भी करना है नहीं मालूम, बट अमेजिंग टेस्ट लग रहा है, ठीक है। टेस्ट करके तो हम बता ही नहीं, तो काफ़ी भीड़ है, ब्लॉक करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। सोचा था ना, मतलब मैंने बोला था आप लोगों को कि एक गेस्ट को हम काफी मिस करेंगे, लेकिन उससे रहा नहीं गया यार, आ गया। जगन इज ऑल्सो हियर, आपको याद होगा सुबह जिसने हमको ड्रॉप करने आया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सो सॉरी लास्ट आपने जितना भी पोर्शन देखा होगा डे वन का फ्रॉम भुवनेश्वर टू दिल्ली गुड़गांव, एंड आई नो दैट वॉज द बेस्ट। पहली बार आई एम ब्लॉगिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो गलतियाँ हो रही हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लिटरली वेरी सॉरी फॉर दैट। सो आज से विल ट्राई कि ये सब चीज़ें हैफिजेड मैनर में ना हो एंड एक फॉर्मलिज्म एक प्रोसेस मैनर में हो। सो दिस इज़ वॉट आई बिलीव आई विल डू। सो राइट नाउ वी आर लीविंग टू शो फॉर फ्यू थिंग्स, क्योंकि हम लोग अभी कीरगंगा जाएंगे, ट्रैक करेंगे, सो सम वाटरप्रूफ ग्लव्स एंड काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें ज़रूरत होंगी। तो अभी हम लोगों का जो ट्रैवलर है जिसको हमने अगले पूरे ट्रिप के लिए बुक कर दिया है, इट विल टेक अस फ्रॉम आवर होटल एंड इट विल ड्रॉप अस बैक टू आवर होटल फॉर द आई गेस नेक्स्ट 7 to 8 days इट विल बी विद अस। सो अभी हम लोग जाएंगे शॉपिंग के लिए और फिर शाम को हम लोग निकलेंगे मनाली के लिए। हम लोग अभी एक कंपनी में ही काम करते हैं। सो फिलहाल आई शो यू द ट्रैवलर, दैट्स द व्हीकल जो हमारे साथ रहेगा। अभी निकाल रहे हैं हमारा शॉपिंग करने के लिए एंड exactly. दिल्ली हम लोग घूमेंगे एग्जैक्टली exactly. दिल्ली घूमने के बाद हम लोग शाम को निकलेंगे मनाली हमारा ट्रिप के लिए। सो अभी हम लोग फिलहाल तो 5 जन हैं, कल रात को एक दोस्त आ गया था एंड टोटल हम लोग 7 जन निकलेंगे यहाँ से।
तो और दो जो दोस्त हैं वो दिल्ली में हैं, उनको हम दिल्ली से पिक करेंगे एंड बाकी का अपडेट वंस द गाड़ी स्टार्ट्स विल बी अपडेटिंग यू। ठीक है गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड ऑल आर हियर, जय देवेश, समीर, जगन, नियर भाई एंड आई मीन वो ही है अभी हमारे सब कुछ जो हम लोगों को लेके चलेंगे पूरा ट्रिप में। दिस इज आवर ट्रैवलर, कम ऑन लेट मी शो यू हाउ डज इट लुक। देखिए ये है हमारा ट्रैवलर जिसमें हम लोग जा रहे हैं 7 जन। बेसिकली आई गेस दिस इज सीटेड फॉर समवेयर अराउंड 9 to 10 पीपल, बट हम लोग 7 जन जा रहे हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, जैसे अपने मैंने आपको बोला था ना कि हम लोग जा रहे हैं कि थोड़ा सा शॉपिंग कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा चीजें और ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। अभी फिलहाल दिल्ली में ही जाएंगे। ठीक है, तो द नेक्स्ट अपडेट आई विल शो यू व्हेन वी आर डन। ही इज आल्सो व्लॉगिंग, ठीक है, इज माय बेस्ट फ्रेंड जगन एंड ही केम टू सरप्राइज अस। अब उसका कुछ प्लान नहीं था, सडनली टिकट किया और आ गया, क्योंकि अकेले हम लोगों को ऐसे जाते हुए उसको देखने में मजा नहीं आता, इसीलिए। जगन ऑल गुड, फ्लाइट वॉज ग्रेट, खाना मिल गया फ्लाइट में, मजे है भाई। चलो फिलहाल हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए, पहले हम लोग कुछ खा लेंगे मोस्ट प्रोबेबली इन केएफसी, बिकॉज अभी कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। उसके बाद जहाँ पे हम लोग जाएंगे आई विल शो यू, बट फिलहाल लेट्स गो एंड हैव सम ब्रेकफास्ट। यार भूख लगा है बड़ी जोर की जी। आपको मैंने बताया था कि अभी हम लोग केएफसी आए हैं, सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑर्डर्ड, 2 buckets, 2 ultimate savings bucket एंड ये उसके साथ आता है कॉम्प्लीमेंटरी, एंड विद दैट वी हैव ऑर्डर्ड 4 tandoori zinger burgers एंड सम पॉपकॉर्न, चिकन पॉपकॉर्न, 2 chicken popcorn एक्चुअली, ताकि अगर गाड़ी में कभी ज़रूरत हो, जो कभी नहीं होगा लेकिन फिर भी हम लोग लेंगे, वी हैव ऑर्डर दैट एंड दैट इज़ फॉर टेक अवे, दिस इज़ फॉर डाइन। एंड अभी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ही भूख लगा है, सो लेट्स अटैक ऑन द फूड फर्स्ट। एंड खाना वॉज टायरिंग एज टायरिंग एज वॉकिंग, इतना खाना खा लिया एंड राइट नाउ हम लोग निकल गए हैं। अभी थोड़ा सा बस शॉपिंग है, उसके बाद दो दे भी जाएंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे और वहाँ से गाड़ी के लिए रवाना हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं। आप लोगों ने अभी तक तो हमारा जो ट्रैवलर है देख लिया है। अभी हम लोग रुके हैं, जगह नहीं, कौन सा जगह है, मूर्थल ना, मूर्थल। ओके, तो हम लोग मूर्थल पे रुके हैं। आई गेस दिस प्लेस इज फेमस फॉर पराठास। ठीक है, तो हमारा ट्रैवलर अभी यहाँ पे है। काफ़ी गाड़ियाँ हैं यार, मतलब इस साइड शायद से ज़्यादा नहीं दिख रही होंगी आपको, लेकिन उस साइड पे काफ़ी ज़्यादा ही गाड़ियाँ हैं एंड फेमस है ये जगह। चलो देखते हैं। अभी एक्चुअली हम लोगों ने मतलब जो बर्गर ले लिया था ना KFC से, तो वहाँ से गाड़ी में ही खा लिया था, तो इतना भूख तो है नहीं, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने नहीं खाया था, सो वो लोग तो खाएंगे। अभी बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, बीमार नहीं पड़ना है, अंदर जाना है और देखते हैं कि
क्या मेन्यू में है और हम लोग क्या मंगवा रहे हैं, दिखाते हैं चलो आपको। पराठे जो हैं दोस्त गुड, मतलब जितना सुना था नॉट आई मीन थोड़ा हाइप लगा, अगर जेन्युइनली बताऊँ तो थोड़ा हाइप था, बट हाँ इट वॉज गुड। और एंड में भैया ने बोला था कि थोड़ा खीर खाइए, ही वॉज ऑल्सो गुड, बट या मैंने अपने घर पे हो या फिर भुवनेश्वर में उड़ीसा में खीर खाया है जो अच्छा है, मतलब दिस वॉज गुड ऑल्सो, बट यस आई प्रिफर द अदर खीर जो मैं हमेशा से खाते आया हूँ। सो या और अभी हम लोग निकल रहे हैं मनाली, तो अगला स्टॉप चंडीगढ़ में, तो उसके बाद मनाली आई गेस। तो अभी थोड़ा सा बस देखेंगे बाहर का नज़ारा अच्छा है, मतलब द लाइट्स एंड एवरीथिंग अराउंड इज सो गुड। अभी कुछ और काम नहीं है, इट्स टाइम टू चिल, थोड़ा बात बात करेंगे अगर हुआ तो वो खेलेंगे और ख़त्म, और देखते हैं फिर चंडीगढ़ में मिलते हैं आपसे।